सीधे आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर। हमारे सहयोगी अखिलेश तैयार हैं कुछ अहम जानकारियों के साथ। अखिलेश बिल्कुल, अब हम बात बिहार की करने वाले हैं। बिहार में क्या समीकरण नजर आ रहा है, यहाँ पर जो मतदान जारी है, मतदाता वहां पर पहुंच रहे, उनमें किस तरीके का उत्साह है वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल कटिहार की बात कर लेते हैं, कटिहार में किस तरीके का मुकाबला है। तो आपके सामने ये तस्वीर है, तारिक अनवर और आप देख रहे हैं जेडीयू से उनके सामने दुलाल चंद्र गोस्वामी है। कांग्रेस की तरफ से तारिक अनवर ताल ठोक रहे हैं जबकि दुलाल चंद्र गोस्वामी जेडीयू की तरफ से हैं जो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। तो आप देखिए दूसरे चरण की जो टक्कर कटिहार में नजर आ रही है उसकी ये तस्वीर देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, अब पूर्णिया लिए चलते हैं आपको, दूसरे चरण की जो टक्कर हो रही है। पूर्णिया का मुकाबला बड़ा दिलचस्प है क्योंकि पप्पू यादव जब से यहां पर मुकाबले में कूद पड़े हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, यहां पर त्रिकोणीय हो गया मुकाबला। एक बार विधायक चुने गए पप्पू यादव, एक बार विधायक चुने गए संतोष कुशवाहा भी जो उनके सामने है जेडीयू की तरफ से। दोनों में आमने सामने की टक्कर है लेकिन कौन किस पर भारी पड़ेगा, हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला, आमने सामने की टक्कर नहीं कह सकते हैं। अब लिए चलता हूं एक बार फिर से मैं आपको रोमाना के पास, कुछ और जानकारी आप तक को पहुंचाएंगी रोमाना। और इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राहुल द्रविड़ को आप देख रहे हैं पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ बिल्कुल एक आम वोटर की तरह कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया, वोट डालने के लिए पहुंचे। और ये तस्वीरें एबीपी न्यूज पर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि अगर आपके इलाके में भी वोटिंग हो रही है तो आप भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। देखिए किस तरीके से ड्राइव करके पहुंचे राहुल द्रविड़ और उसके बाद कतार में लगे नजर आए राहुल द्रविड़, वोट डाल दिया है राहुल द्रविड़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।